प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अहमद पटेल के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, अहमद पटेल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कई साल बिताए, समाज की सेवा की। उन्हें अपने तेज दिमाग के लिए जाना जाता था। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में उनकी भूमिका हमेशा से याद की जाएगी। के बेटे फैसल से बात की और संवेदना व्यक्त की, अहमद भाई की आत्मा को शांति मिले। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, आज एक दुखद दिन है। अहमद पटेल कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे। उन्होंने कांग्रेस में रहकर सांस ली और अपने सबसे कठिन समय में पार्टी के साथ खड़े रहे। वो पार्टी के अति बृहद संपत्ति थे। हम उन्हें याद करेंगे। फैसल, मुमताज और परिवार को मेरा प्यार और संवेदना। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, अहमद जी न केवल एक बुद्धिमान और अनुभवी सहकर्मी थे, बल्कि जिनसे मैं लगातार सलाह और परामर्श के लिए मुखातिब थी, वो उनमें से भी एक थे। बल्कि वे एक ऐसे दोस्त थे जो हमेशा हर समय पर हमारे साथ खड़े रहते थे। उनके निधन ने एक विशाल शून्य छोड़ दिया है। उनकी आत्मा को शांति मिले। बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का बुधवार को निधन हो गया है। उनके पुत्र फैसल पटेल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। कोरोना संक्रमित होने के बाद वह कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। खैर, कोरोना की वजह से हर तरफ केवल शोक का ही माहौल है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ कोरोना जैसे बुरे वक्त में साथ होंगे और प्रिकॉशन का पूरा ध्यान रखते होंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।